हेलो फ्रेंड्स, विकी कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर स्टारर मच अवेटेड फिल्म गोविंदा नाम मेरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही अपनी फैन फॉलोइंग की लिस्ट लंबी कर ली है। ट्रेलर पर लोगों का मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कॉमेडी, रोमांस और मर्डर मिस्ट्री का मेल लंबे समय बाद दर्शकों को किसी फिल्म में देखने को मिल रहा है। ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ज्यादातर सीरियस रोल करने वाले विकी कौशल बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी गोविंदा नाम मेरा फिल्म से पहले भी विकी उनके साथ भूत द हॉन्टेड शिप पार्ट 1 पर काम कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उनके अपोजिट भूमि पेडनेकर थी। वहीं कियारा के साथ विकी की केमिस्ट्री को कर्ण जौहर की शॉर्ट फिल्म लस्ट स्टोरीज में पसंद किया जा चुका है। ट्रेलर में तीनों के करेक्टर का जबरदस्त बैलेंस दिखा है। विकी का नाम है गोविंद द वाघमारे। वो पेशे से एक कोरियोग्राफर है जो अभी नाम बनाने के लिए स्ट्रगल ही कर रहे हैं। वहीं भूमि पेडनेकर उनकी तेज तरार बीवी के रोल में है जो उन्हें 1% भी भाव नहीं देती है। वहीं कियारा विकी की गर्लफ्रेंड और कोरियोग्राफी पार्टनर भी है। भूमि ना तो विकी को डिवोर्स दे रही है ना ही बीवी का प्यार दे रही है। विकी के डिवोर्स मांगने पर भूमि उनसे 2 करोड़ की डिमांड करती है। वहीं कियारा से विकी को प्यार तो मिल रहा है लेकिन ना तो साथ रह पा रहे हैं और ना ही काम का जुगाड़ हो पा रहा है। कुल मिलाकर विकी हर तरफ से परेशान है। ट्रेलर को देखकर कहानी का अगर अंदाजा लगाएं तो मर्डर के बाद सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। अब मर्डर किसका होता है इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। गोविंदा नाम मेरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 16 दिसंबर से स्ट्रीम करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।